नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर। आज की इस वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूं, जैसे कि ये बीम देख रहे हैं, इसके ऊपर चुनाई 9 इंची का लगाना है दोस्तों। तो फर्स्ट चुनाई हम किस प्रकार से बहुत अच्छा तरीके से लगाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले इसके ऊपर हम मसाले को बिछाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं इधर हमारा, मतलब कि रदे रदे में मिला के लगाएंगे। तो चुनाई होता है दोस्तों कई प्रकार से लगाया जाता है। तो 2 पौन ईंट हम यहाँ पहले रखेंगे। उसके बाद 1 ईंट हम ऐसे रख देंगे। और 1 ही ईंट से साल करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल इस नुकर से करना है, यहाँ से, और ये जो ईंट का नुकर है यहाँ से करेंगे। तो साल में दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब जहाँ से हम साल करेंगे वहीं से सूत को बिल्कुल मिला लेना है ऐसे, और जो ये आगे ईंट है इसको बिल्कुल सही कर लेना है। और ये जो गैप है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से भर देंगे, तभी जाके जो हमारा दीवार होगा वो काफी मजबूत होगा। और बिल्कुल सूत को बिल्कुल अच्छी तरीके से घींच के और बांध देना है। और आगे मसाले को बिल्कुल बराबर बिछाना है, क्योंकि जितना हमारा मसाला बराबर रहेगा, ये ना दोस्तों आप ऊपर खबर नहीं मसाला बिछाना है, बिल्कुल लेवल में बिछाना है, तभी जाके हमारा ईंट जो होगा बिल्कुल बराबर बैठेगा। तो जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से हमारा मसाला बिछ चुका। और 1 ईंट फिर ऐसे लगाएंगे, और दूसरा जो ईंट होगा ऐसे लगा। हर एक ईंट में उंगल उंगल का गैप रखना है। और बिल्कुल तेजी में लगाते जाना है दोस्तों। और ये जो आगे ईंट रख रहे हैं इसी लेवल में भी पीछे वाला भी ईंट रखना है। कई मिस्त्री गलती कर देते हैं, ये आगे पीछे करने लगते हैं, तो चुनाई जो होता है देखने में अच्छा नहीं लगता है। और जो ये उंगल उंगल का दोस्तों गैप है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से जो करनी है उसे बिल्कुल खाँच खाँच के और पीछे हाथ लगा लेना है ऐसे, जो मसाला जो होगा गिरे ना, देखने में भी चुनाई बिल्कुल अच्छा लगेगा, साफ सुथरा दिखेगा और मजबूत भी होगा। तो जैसे कि देख सकते हैं पहले ईंट हम लगाए हैं, अब इसके ऊपर किस प्रकार से जोड़ काटेंगे। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से जो दर चाहिए उंगल उंगल का गैप था इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा के चुनाई पहले लगा के और इसको भर चुके हैं। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को भी करना है। और ये यहाँ पे जो हम 2 पौन ईंट लगाए हुए थे इसको जोड़ काटने के लिए पहले हम अच्छी तरह से इसके ऊपर मसाले को रखेंगे। दोस्तों कहीं भी चुनाई लगाएं तो इस प्रकार से लगाएं, बिल्कुल परफेक्ट होगा, कोई भी दोस्तों आप लोगों को फेल नहीं कर सकता। तो ऐसे बिल्कुल बराबर मसाले को बिछा लेना, कोई घबराई नहीं करना है, घबराना नहीं है दोस्तों। ऐसे बिल्कुल बराबर लेवल है मसाले को, जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से मसाला जो है वो हमारा बिछ चुका है। तो 2 पौन ईंट यहाँ पर हम लगाए हुए थे जैसे कि देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक जो साबुत ईंट है ये रखेंगे यहाँ पर।
और उसके बाद इसको जोड़ काटने के लिए दूसरा जो ईंट होगा हमारा यहाँ आ जाएगा, और ये दूसरा जो ईंट होगा ये बिल्कुल यहाँ रखेंगे, बिल्कुल इसमें मिला के, ये ना हो कि ये आगे पीछे ना हो। और फिर एक दूसरा ईंट जो रखे, तीसरा चौथा ईंट रखेंगे दोस्तों, ये यहाँ रख देंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये बीचों बीच हमारा ईंट के बीचों बीच आ रहा है, जोड़ कटा है कितना बढ़िया तरीके से, ऐसे ही पूरे ईंट में कटता जाएगा। और दोस्तों ये यहाँ से हम साल करके इसको मिला लिए हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये। तो ये ऊपर तक हम जब चुनाई लेकर जाएंगे तो इसी ईंट से करते जाएंगे साल, एक ईंट से करेंगे साल, तभी जाके ये जो हमारा बिल्कुल सीधाई है बिल्कुल सीधा होता जाएगा और बिल्कुल बढ़िया देखने में चुनाई लगेगा, बिल्कुल साफ सुथरा। और जब भी मसाला बिछाना है दोस्तों तो यहाँ से हम साल किए हैं दोस्तों इस नुकर से, और इस नुकर में यहाँ किए थे, तो ये बिल्कुल करेक्ट साल में हो गया है हमारा। तो यहाँ जो है इस ये नुकर जो है यहाँ से हम सूत को पकड़ेंगे, और ये जो आगे है ईंट लगाए हुए हैं इसको बिल्कुल सूत में कर लेना है। मतलब ये जो हम सूत लगाए हुए हैं ये सूत से थोड़ा सा क्लियर ईंट का जो कोना है वो होना चाहिए, ये ना हो दोस्तों। जैसे कि देख सकते हैं कितना क्लियर है, थोड़ा सा इसी प्रकार से आपको रखना है। कई दोस्त कमेंट किए हुए थे कि बिल्कुल सूत जो है वो बिल्कुल ईंट में सटा के लगाना है, तो ईंट दोस्तों ईंट जो होगा ये सूत में सटाना नहीं है, नहीं तो ये जो सूत होगा वो अंदर बाहर होने लगेगा, तो जो ईंट है वो बिल्कुल सटाना नहीं है। और ऐसे इस प्रकार से बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम जोड़ काटते हुए आगे को लगाते जाएंगे, और ये उंगल उंगल का गैप रखेंगे यहाँ पर। तो दीवार के ऊपर दोस्तों देख सकते हैं मसाला रख लिए हैं, और बिल्कुल इसको करने से ऐसे बिल्कुल अच्छी तरीके से बराबर करना है। ऐसे और हरेक राधा में जो होगा दोस्तों बिल्कुल मसाले को बिल्कुल बराबर रखना है, ये ना हो दोस्तों जो आप एक राधा में मोटा मसाला कर दें और एक राधा में पतला मसाला कर दे, तो वो जो चुनाई हम लगाएंगे मतलब देखने में अच्छा नहीं लगेगा। हरेक राधा में जब मसाला बराबर रहेगा तो चुनाई बिल्कुल अच्छा दिखेगा और चमकेगा बिल्कुल। तो जैसे देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमारा जोड़ कट रहा है, ऐसे ही आप भी काटें दोस्तों। और जो ये पीछे वाला ईंट रखेंगे बिल्कुल इसमें मिला मिला के रखेंगे। तो बिल्कुल बराबर लगाते जाएंगे और जोड़ काटते, जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से जोड़ कटा हुआ है हमारा। ऐसे भी दोस्तों आप भी काटे जोड़। और ये जो उंगल उंगल का गैप रखे हुए हैं इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से भर देंगे। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमारा जोड़ कटा हुआ है ये वाला। यहाँ जो पौन ईंट लगाना है दोस्तों, जब जैसे कि नीचे हम पौन ईंट लगाए हैं उसी के बराबर में ये सब पौन ईंट लगेगा, तभी जाके ये जो हमारा बिल्कुल सही करेक्ट आएगा। ये जोड़ जो है देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमारा जोड़ जो है कटा हुआ है। तो ऐसे ही दोस्तों आप भी जोड़ काटें। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।